तो आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग एक सिक्योरिटी पर्सन है, क्या है? सिक्योरिटी पर्सन का बहुत सारा ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसके साथ साथ आप अगर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है, यानी कि आपके लिए फ्यूचर में स्कोप क्या है। जैसे कि बहुत सारा सेक्टर है, समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी में काम करते हुए हमारा फ्यूचर में क्या स्कोप है, एक सिक्योरिटी पर्सन को जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप अभी सिक्योरिटी है, ऊपर में आपका क्या पोस्ट मिलेगा, ऊपर में आपका पोस्ट क्या पोस्ट है, ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग समझते हैं कि सिक्योरिटी सेक्टर में, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में कोई भी फ्यूचर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं। लेकिन सिक्योरिटी सेक्टर एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फ्यूचर पूरा ब्राइट है। जैसे कि बहुत सारे लोग गांव देहात से बहुत सारे लोग बाहर में काम करने के लिए जाते हैं और करीबन वहीं पे एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल काम करके फिर से गांव लौट कर आते हैं। आने के बाद वो लोग जो कोई भी काम किए होते हैं उस टाइप का काम यहाँ पर मिलता है क्या? नहीं मिलता। मतलब जैसे गए थे वैसे ही रहते हैं। 5 साल भी काम करते हुए आते हैं, एक्सपीरियंस है। जैसे कि कोई गुजरात जाता है, कोई चेन्नई जाता है, कोई मुंबई जाता है, बहुत सारे लोग बाहर में जाते हैं। मगर सिक्योरिटी काम अगर किए हो आप 6 महीना या फिर साल भर, आपको जहाँ कहीं पे भी जॉब मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। गांव देहात में भी मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी की मांग सारे जगह में है। सिक्योरिटी का अर्थ है सुरक्षा। एक जगह पर एक सिक्योरिटी सुरक्षा देता है, ठीक है? तो अब आता है स्कोप। आपके लिए स्कोप क्या है? जो कोई भी पर्सन सिक्योरिटी सेक्टर में अच्छा काम करता है तो उसके लिए प्रमोशन की सुविधा रहता है। पता है आपको? जैसे कि आप सभी लोग अभी सिक्योरिटी पर्सन हैं, ठीक है? उसका ऊपर का पोस्ट रहता है हेड सिक्योरिटी, मतलब हेड गार्ड। बात समझ में आ रहा है? वो क्या करता है, सिक्योरिटी को गाइड करने के साथ साथ वो भी ड्यूटी करता है, ठीक है? उसके ऊपर है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है, सब सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है, किसको कहां पर ड्यूटी देना है, कब ड्यूटी देना है, कोई अगर अब्सेंट है तो उसको कहां पर ड्यूटी लगाना है। उसके ऊपर रहता है सीनियर सुपरवाइजर, उसका काम भी वही है, ठीक है? उसके ऊपर रहता है ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है? उसके ऊपर रहता है SO, सिक्योरिटी ऑफिसर। उसके ऊपर रहता है फील्ड ऑफिसर, जो कि पूरा फील्ड को विजिट करता है, ठीक है? उसके ऊपर रहता है एरिया ऑफिसर, जो कि पूरा एरिया को देखता है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को देखता है, 2-4-5 यूनिट को देखता है। उसके ऊपर रहता है ऑपरेशन मैनेजर, जो कि कंपनी में बैठता है। उसके ऊपर रहता है ब्रांच मैनेजर, जो कि पूरा ब्रांच को संभालता है, जैसे कि भवानीपटना ब्रांच में जैसे टोटल हम लोग संभालते हैं। उसके ऊपर रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके ऊपर रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन उतना दूर हमको जाना नहीं है, हम लोग बस अभी बात करेंगे ASO तक। फर्स्ट देखे सिक्योरिटी गार्ड, उसके ऊपर रहता है हेड गार्ड, ठीक है? उसके ऊपर रहता है सुपरवाइजर, उसके ऊपर रहता है सुपरवाइजर, उसके ऊपर रहता है ASO, उसके ऊपर रहता है SO, ठीक है? ये आपका प्रमोशनल पोस्ट है। सिक्योरिटी की जॉब में बहुत लोग बोलते हैं कम सैलरी है, बोलते हैं, मगर सिक्योरिटी की जॉब में आज बहुत कम सैलरी है, मगर फ्यूचर में आपका बहुत सैलरी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया प्रोफेशनल जॉब है, ये कोई लेबर वर्क या फिर कूली भूती काम करने वाला नहीं है, है क्या? ये है स्मार्ट वर्क। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट की तरीके से काम करते हैं, ठीक है? तो फ्यूचर में आपका स्कोप बहुत है अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो। बहुत सारा लोग 6 महीना साल भर काम करके छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन जाने के बाद जैसे थे वैसे ही रह गए। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो एक ही इंडस्ट्रीज में रह के अपना करियर को बनाने के लिए प्रयास करो, तब जाके आपको करियर आगे बढ़ेगा, ठीक है? ये रहा आपका स्कोप। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी गार्ड एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोस्ट है या नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड का अर्थ है सुरक्षा देना। क्या है? सुरक्षा देना। एक जगह को हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, मालूम है? तो यहाँ पर हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जहाँ कभी कहीं भी। जैसे कि सिक्योरिटी की मांग कहाँ कहाँ पर रहता है, फर्स्ट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, अपार्टमेंट, बैंक, प्लांट,
कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसे बहुत सारा जगह में सिक्योरिटी की मांग रहता है। आगे नहीं रहता था मगर अभी रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर सामान है, उसको सुरक्षा देने के लिए सिक्योरिटी की होना बहुत ही ज़रूरी है या नहीं है? है। तो सिक्योरिटी का पहला जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन। क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा। किसी भी जगह पर हम सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। और सुरक्षा भी तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। पीपल माने, पीपल का मतलब कौन है? खुद लोग, जो भी काम वही पे करते हैं। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट या फिर प्रॉपर्टी, जहां पे काम करते हो वहां का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको लीक करना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, जैसे कि कोई प्लांट में, कोई स्कूल में काम कर रहा है, तो कोई होटल में काम कर रहा है, बहुत सारे जगह में काम कर रहे हैं, तो वहीं पे जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना भी हमारा काम है। लोगों को प्रोटेक्शन देना भी हमारा काम है। मान लीजिए आप ड्यूटी पीरियड में हैं, कोई बाहर का बंदा आके किसी को मार रहा है, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? देखेंगे, रोकेंगे या फिर क्या करेंगे? रोकेंगे। तो वो है प्रोटेक्शन। विदाउट परमिशन से किसको अंदर घुसना नहीं है, वो है प्रोटेक्शन। सेकेंड है प्रॉपर्टी। आपको जहाँ पर भी ड्यूटी दिया जाता है वहीं पर प्रॉपर्टी भी बहुत सारा होता है कि नहीं होता है? प्रॉपर्टी जो होता है उसको बोलते हैं एसेट्स। उसको ध्यान देकर रखना, जैसे कि कोई सामान चोरी ना हो, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन रहता है आपके पास, जैसे कि स्कूल कॉलेज में बहुत सारा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहता है, बहुत सारा सेल्स वाले मार्केटिंग वाले आते हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, आपको पैसा भी ऑफर करेंगे कि हम तुझे इतना पैसा देंगे, तू नंबर फंबर जो कुछ भी है हमें दे, मगर देना नहीं है, याद रखो ये, समझ में आ रहा है? देना नहीं है। प्रोटेक्शन का मतलब है सुरक्षा देना। प्रोटेक्शन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, पीपल का सुरक्षा देना, मतलब लोगों को सुरक्षा देना। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ क्या, प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स, जो कोई भी एसेट्स है उसको सुरक्षा देना। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, या फिर उसकी बात उसको जाकर बोलना, ये सब भी करना नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो बोलना नहीं कि इसको बोलना नहीं कि देख बॉल फ्यूज हो गया है, उसको बोलना नहीं कि देख बॉल फ्यूज हो गया है। किसको बोलना है? इलेक्ट्रीशियन को बोलना है, क्योंकि वो बॉल फ्यूज जो हुआ है वो रिपेयर करके देगा, कोई और बंदा करके नहीं देगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करना है, ठीक है। सेकेंड है डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। जहाँ कहीं पर भी आपको ड्यूटी मिला है तो वहीं पे डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करना है। डिसिप्लिन का मतलब है शांति श्रृंखला रक्षा करना, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग? असंभव है क्या? संभव नहीं है। तो पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि हम लोग ड्यूटी के दौरान बहुत सारा लोगों को हम लोग मिलते हैं, बड़े बड़े भी लोग भी आते हैं, छोटे छोटे लोग भी आते हैं, तो उनसे कैसे बात करना है, बात करने की तरीका भी आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो कोई भी पर्सन आपको मिलने के लिए आते हैं या फिर जो कोई भी पर्सन आप जहां पर भी ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पे आते हैं, तो उनको पोलाइट से बात करना है, पोलाइटली बात करना है, सिंपल वे में बात करना है, ऐसे नहीं कि एकदम पूरा दमदार रहना है, ठीक है। रोबोट की तरह एनी टाइम दमदार भी रहना नहीं है। कोई अगर लोग आया है तो उसके साथ फ्रेंडली भी बात करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो रुट जाएगा। और सिक्योरिटी जो है फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जैसे कि कॉलेज में कोई पर्सन अगर आया है उसके स्टूडेंट को एडमिशन कराने के लिए, तो पहले किसको मिलेगा? गेट में कौन रहेगा? तो सिक्योरिटी के बात करने के तरीके
वही पर ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाके वो जाके कॉलेज में एडमिशन करेगा, नहीं तो चला जाएगा। ठीक है, तो रूल के हिसाब से सिक्योरिटी एनी टाइम, मतलब दमदार नहीं रहना, एनी टाइम जब दमदार रहना है तब दमदार रहना। जैसे कि कॉलेज में अगर मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 6 बजे के बाद किसको एंट्री नहीं है, ठीक है, 6 बजे के बाद भी लोग आएंगे, तो उनको पोलाइटली बात करना है, पूरा सिंपल वे में बात करना है कि सर 6 बजे के बाद और एंट्री नहीं है, कॉलेज का रूल है, सिंपल वे में बात करना है। ऐसा नहीं है कि जाके नहीं हो सकता चले जाओ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, वो क्या करेगा, सिंपल टेंशन हो जाएगा, उसके बाद कंप्लेंट जाएगा, उसके बाद मेरे पास कंप्लेंट आएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है दृश्य, दृश्य यानी कि यूनिफॉर्म, जो कुछ भी आप यूनिफॉर्म पहने हो, जैसे कि ये यूनिफॉर्म पहना है, ये जो है ना ये पूरा सीधा रहना चाहिए, ठीक है, शूज कैसा पहना है देखो, शूज भी प्रॉपरली पहनना है, ड्यूटी के पीरियड में एनी टाइम पूरा यूनिफॉर्म रहना है, विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज डिफेंस में जाता है। कोई पुलिस को देखे हो विदाउट यूनिफॉर्म में रहता है? अगर रहता है तो मालूम नहीं चलता कोई पुलिस है या फिर कोई सिविलियन है, ठीक है। तो ड्यूटी पीरियड में हम लोग दृश्यवान होना चाहिए, यानी कि सामने में दिखना चाहिए, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं तो सामने में दिखना चाहिए कि सिक्योरिटी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझते होंगे सिक्योरिटी काम तो कर रहे हैं, कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत सारा रेस्पेक्ट है, लोकेलिटी में नहीं मिलता लेकिन बाहर में बहुत रेस्पेक्ट है सिक्योरिटी को, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा ड्यूटी है जो कि पूरा जगह पर जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन एरिया में भी जा सकता है, कोई प्लांट में अगर ऐसा जगह है जहां पर किसी को जाना मना है लेकिन सिक्योरिटी वहीं पे जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता, जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी जा सकता है, तो सिक्योरिटी बहुत रेस्पेक्टेड वाला पोस्ट है, ठीक है। कोई अगर बोल देता है सिक्योरिटी तो काम कर रहा है, गांव देहात में ऐसे बोलते हैं सिक्योरिटी तो काम क्या रहा कर रहा, क्या बड़ा कर रहा है, उनको पता नहीं है सिक्योरिटी में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो है उसको पता है। और सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे सिंपल वे में जॉब भी मिल जाता है, कोई स्ट्रगल भी करना नहीं पड़ता उतना, है ना। देन जैसे कि मैं बोला, कोई आदमी अगर आता है कहीं पर भी तो पहले किसको मिलेगा, सिक्योरिटी को मिलेगा। तो सिक्योरिटी एनी टाइम दमदार रहना नहीं है, पोलाइटली बात करना है, फ्रेंडली बात करना है सबके साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी जो कोई भी नशा करके आया है ना, उसको सामने से ही निकालना है, नहीं तो वो अंदर जाएगा क्या होगा, इनडिसिप्लिन होगा कि नहीं होगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, उसके बाद दिक्कत आपको ही होगा, उसके बाद भीतर अंदर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से प्रॉब्लम, सामने वाला बोलेंगे क्यों छोड़ा, है कि नहीं। अगर वो नशा करके आए हैं और उनको जाना इम्पोर्टेंट है, आप उसको पहचानते हैं, तो आपका जो भी सुपीरियर होगा या फिर जो भी हायर अथॉरिटी होगा, उनको फोन करके बोलना है कि ये सर आए हैं और ऐसे ऐसे चीज छोड़ूं या ना छोड़ूं, वो इंस्ट्रक्शन देंगे छोड़ दो छोड़ देना, क्योंकि अगर आप बोल दिए होंगे तो बाद में जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके सामने में नहीं आएगा, आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बोला था, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, क्योंकि हमारा काम ये लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बातें करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब हार्ड वर्क काम नहीं करते, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, किसको कहाँ पर भेजना है, किसको क्या करना है, ऐसा काम हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, रजिस्टर मेंटेन, सारे जगह में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, गेट में रजिस्टर रहता है, रजिस्टर बहुत सारा होता है, जैसे कि वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जहाँ पर भी आप लोग काम करते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो लोग आपको कितना रजिस्टर देंगे, करीबन 4-5 रजिस्टर तो हर जगह में होता है। जैसे कि पहला रजिस्टर होता है विजिटर रजिस्टर होता है, सेकेंड रजिस्टर होता है स्टाफ रजिस्टर, जितना भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनका रजिस्टर, आजकल तो थम इंप्रेशन भी आ गया। नेक्स्ट रजिस्टर रहता है मेटेरियल रजिस्टर, जो कुछ भी मेटेरियल आता है उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। और ये सारा चीज़ कौन करता है, सिक्योरिटी कहाँ पर करता है, गेट में करता है। जैसे कि पहला रजिस्टर
विजिटर रजिस्टर, कोई भी आदमी अगर आता है किसी को भी मिलने के लिए तो विजिटर रजिस्टर में हम लोग जब मेंटेन करते हैं, साल भर जाने के बाद, महीने भर जाने के बाद भी हमारा जो सीनियर है वो आकर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कौन सी डेट में कितने लोग आए थे, कब आए कब गए, इसमें पता चलेगा अगर किस दिन कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो। जैसे कि आज की डेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है पता नहीं चलेगा, तुरंत 5-10 दिन के बाद पता चलेगा, तो उस समय क्या किया जाएगा, रजिस्टर को देखा जाएगा कि कौन कौन उस दिन आए थे, देखा जाता है ना। तो रजिस्टर मेंटेन करने में कोई भी भूल मत किया करो, ठीक है। अगर पता नहीं है तो जो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला है उनको पूछो कि क्या लिखना है, प्रॉपर वे में बताओ, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर में ऊपर ऊपर हेडिंग दिया गया रहता है क्या क्या मेंटेन करना है, ठीक है। सेकेंड होता है स्टाम्प रजिस्टर, जितना भी स्टाम्प एंट्री कर रहे हैं इन टाइम आउट टाइम, ठीक है, उनका प्रेजेंट भी पड़ता हुई फिर सिक्योरिटी के चैम्बर में प्रेजेंट भी पड़ता है। अगर आप गलती से भी किसी का ऑप्शन कर देते हैं तो उसका सैलरी नहीं दिया जाएगा, दिया जाता है क्या उस दिन, नहीं दिया जाएगा, तो उसको केयरफुली मेंटेन करना है। नेक्स्ट है मटेरियल, जहाँ कभी भी काम होता है मटेरियल आता है, अगर बिल्डिंग का काम हो रहा है तब भी मटेरियल आता है, ऐसे बहुत सारा जगह में मटेरियल आता ही आता है। तो मटेरियल, जो कुछ भी मटेरियल आता है, मटेरियल का स्पेशल रजिस्टर रहता है, तो वो रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है आपको प्रॉपर वे में, जो कोई भी आपका हायर अथॉरिटी है जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि ये करना है, ये करना है। अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर कोई मटेरियल का नाम मालूम नहीं है तो पूछो मत, गलती मत करो, ठीक है। ये रहा रजिस्टर मेंटेन। नेक्स्ट है हॉनेस्टी, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी। जैसे कि आप लोग बहुत सारा वीडियो वगैरह में देखे होंगे, सिक्योरिटी को बहुत सारा मतलब कीमती चीज़ें भी मिलता है, कीमती चीज़ें मिलने के बाद भी वो सिक्योरिटी जाके उसको दे देता है। बहुत सारा वीडियो है, जैसे कि ATM वगैरह में जितने लोग काम करते हैं, कोई लोग आता है पैसा खो देता है, खोने के बाद वो सिक्योरिटी क्या करते हैं, पर्स को पैसे को उनके पास पहुँचाते हैं। ये होता है हॉनेस्टी, ईमानदारी। अगर ईमानदारी रहोगे तो वहीं पर आपका प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगा, सब होगा। अगर ईमानदारी नहीं दिखाओगे आज नहीं तो कल पता चलेगा और वहीं से आपको भगा दिया जाएगा। तो आपके काम में ईमानदारी रखो, क्योंकि आपको कोई मालिक अगर आपको प्रोटेक्शन देने के लिए रखा है, आपको सुरक्षा देने के लिए रखा है, तो आपके ऊपर वो भरोसा करता है, ठीक है। भरोसा को, किसी के भरोसा को तोड़ो मत, अपनी काम पर ईमानदारी रखो, ठीक है। कोई स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, फिर कॉलेज कोई प्लांट है या फिर कोई होटल है, रात में ड्यूटी रहता है आप सब लोगों का, रात में मालिक रहते हैं क्या, नहीं रहते। कहाँ पे रहते हैं, घर में रहते हैं। सुरक्षा किसको देने होता है, सिक्योरिटी को देना होता है। आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं तब जाके वो लोग घर में चैन की नींद सोते हैं, समझ में आ रहा है। तो ड्यूटी पीरियड में कभी भी सोना नहीं है, ईमानदारी से ड्यूटी करो, ठीक है। जब ईमानदारी से ड्यूटी करोगे आपके नाम पर कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, जब आपके नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं आएगा कंपनी वाले आपको देखेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगा, सब होगा, समझ में आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी, ईमानदारी रखो। किसका अगर कोई आदमी अगर आपके पास आता है विजिट करने के लिए, उसका सामान अगर कुछ खो जाता है, आपको मिला है, तो आप पकड़ो और उसको रिटर्न करो, ठीक है। अपने पास अपने जेब में मत भर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब है ऑब्जर्वेशन करना, घूमना, ठीक है। बेसिकली पेट्रोलिंग नाइट ड्यूटी के समय किया जाता है, किया जाता है। आपको जहाँ कर भी कहीं पर भी ड्यूटी मिलता है वही भी बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारा लोग रहते हैं, तो वहीं पे हम लोगों को पेट्रोलिंग करना रहता है। पेट्रोलिंग का मतलब है ऑब्जर्वेशन करना, घूमना, राउंड मारना। इसका मतलब नहीं कि आप घूम के चले आए, ईयरफोन लगा दिए हो घूम के चले आओ, ये नहीं ऑब्जर्वेशन। कौन सा सामान कहीं पर था, है या नहीं है, कौन सा गेट क्लोज हुआ या नहीं हुआ, अगर क्लोज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। क्लोज करना है उसको, उसको इंचार्ज को फोन, हाथ में क्या कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर डाउट हो रहा है तो कंप्लेन दो, अपना सीनियर को बताओ। यहाँ पर पता चलेगा आप लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। और नाइट में सोना मत, ये याद रखो।
डे में सो जाओ नो प्रॉब्लम, बट नाइट में सोना मत। डे में ड्यूटी नहीं रहेगा, जाके घर में सोना है, ठीक है। और नाइट में खास करके आप सब लोगों को व्हिसिल दिया गया है, आधा घंटा, एक घंटा में एक बार क्या करना है, व्हिसिल मारना है, ठीक है। व्हिसिल पैकेट में अंदर घुसाने के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। और प्रॉपरली यूनिफॉर्म में, रात में भी यूनिफॉर्म में रहना है, ठीक है। बहुत सारा जगह में यूनिफॉर्म में नहीं रहते, हाँ गर्मी के मौसम है, टोपी वोपी मत पहना करो रात में, है ना, मगर शूज़ पहना करो, क्योंकि सेफ्टी के तौर पर शूज़ ज़रूरी है। मान लीजिए कोई अगर गिर जाता है ऊपर से, ये शूज ऐसा शूज़ है ऊपर में लोहा दिया गया है, कोई अगर गिरता भी है तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। रात के समय पर आपका क्या काम रहेगा, पेट्रोलिंग काम रहेगा, घूमोगे घूमोगे, पता नहीं ये कहीं पर सांप भी आ जाएगा, चप्पल पहने हो, सांप क्या करेगा, तो क्या होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए रात के समय में शूज पहना करो, ठीक है, और प्रॉपर यूनिफॉर्म मेंटेन करो। नेक्स्ट होता है फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी का मतलब है कहीं पर अगर आग लगता है तो आग का लिभाने काम भी हम लोगों का रहता है, किसका रहता है, सिक्योरिटी का रहता है। बहुत सारा ऑफिस में या फिर आप लोग जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर आप लोग देखे होंगे एक रेड कलर का सिलेंडर रहता है, इतना बड़ा रहता है ना, कोई और मीटिंग में उसको भी बात करेंगे, एक इतना बड़ा सिलेंडर रहता है, उसमें रहता है केमिकल जिसके जरिए कि हम आग को लिभा सकते हैं। वो फायर इंस्ट्रूमेंट रहता है, फायर एंड सेफ्टी का वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके जरिए में कहीं पर अगर आग लगता है तो हम उसको लिभा सकते हैं। और आग कहाँ पर लगेगा, प्लांट वगैरह में आग लगेगा, ऐसे स्कूल कॉलेज या फिर वहीं पर वो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जहाँ पर नहीं लगता वहीं पर इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ एसेट्स। जहाँ पर भी आप लोग काम करते हैं वहाँ पर बहुत सारा सामान रहता है, ठीक है, वहीं पर मतलब सुंदर दिखने के लिए भी बहुत सारा मतलब फ्लावर वो लोग लगाए होंगे, तो उसको भी बहुत सारा लोग क्या करते हैं, कोई काट देता है, कोई क्या कर देता है, वो भी अगर आप देखोगे तो उसको भी आपको रोकना है, ठीक है। आपको वो ड्यूटी दिया गया है किसी भी चीज़ को कोई भी पर्सन विदाउट परमिशन से अंदर से बाहर नहीं ले जा सकता, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी अगर सेल स्टाम्प आ रहा है, सेल स्टाम्प मतलब कोई भी उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, तो प्रॉपरली उससे जानकारी लीजिए कहाँ पर आया है, क्या करने के लिए आया है, किस चीज़ के लिए आया है, किसको मिलने के लिए आया है, उसके बाद अंदर में फ़ोन करके बात कीजिए, तब जाके छोड़िए, ऐसे मत छोड़िए। और ड्यूटी पीरियड में जैसे कि आपका बहुत सारे लोगों का 8 घंटे का ड्यूटी है, बहुत सारे लोगों का 12 घंटे का ड्यूटी है, वो जगह के अनुसार ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी के टाइम में अगर कोई भी लोग नशा वगैरह करते हो तो करना नहीं है, क्योंकि हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। हम लोग अगर नशा करेंगे तो रात में सो जाएंगे, उसके बाद तो सुरक्षा ही सुरक्षा है या नहीं है। ये नशा फसा कुछ करना नहीं है, आज नहीं तो कल पता चलेगा, और कोई नहीं बताएगा, आप लोगों के बीच से ही लोग बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ो, ठीक है। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्सन का इतना ही ड्यूटी रहता है, और भी बहुत सारा ड्यूटी है लेकिन हमारे यहाँ इतना ही बस ड्यूटी है। पहला क्या ड्यूटी है, प्रोटेक्शन। कोई भी जगह पर हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन 3 टाइप का होता है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है दृश्य, अपने आप में एक दृश्य होना चाहिए, सामने में दिखना चाहिए, तब जाके लोग देखकर डर भी जाएंगे, कोई गलत काम करने से डरेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी है, हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना होगा आपको, जैसे कि आप लोग बहुत सारा लोगों को मीट करेंगे, पर डे बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग टाइप का लोग आएंगे, तो उनको पोलाइटली समझाना है कि ये हमारा ड्यूटी है, हम लोग आपको तंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ड्यूटी है, प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आधा लोग नहीं भी मानेंगे, बट आपको वहीं पर अपना दिमाग को कूल रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रंट फेस पर हैं, सामने में काम करते हैं, कोई पर्सन आता है तो पहला सिक्योरिटी को मीट करेगा, बाद में अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी।
दिखना चाहिए आप यूनिफॉर्म में, प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए, तब जाके लोग डरेंगे और कोई भी इलीगल काम वहीं पे नहीं होगा। नेक्स्ट होता है रजिस्टर मेंटेन। जो कोई भी आपको रजिस्टर दिया गया है उसको प्रॉपर वर्ड में मेंटेन कीजिए। अगर पता नहीं है तो अपना जो सीनियर है उनको पूछिए, तब जाके मेंटेन कीजिए, कोई भी गलत एंट्री मत कीजिए। नेक्स्ट होता है हनेस्टी। हनेस्टी यानी कि जिम्मेदारी। जो कोई भी आपका जिम्मेदारी दिया गया है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाइए, तब जाके आपका प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा, है ना, ईमानदारी दिखाओ। नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी। जो कुछ भी आपको ड्यूटी, सॉरी, नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी। कहीं पर अगर निया लग जाता है, आग लग जाता है, तो उसको निभाना काम भी हमारा रहता है, हाथ में निभाना नहीं है, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट होता है पेट्रोलिंग। रात में ड्यूटी अगर कर रहे हो तो रात में सोना नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना है, पूरा घूमना है। जितना दूर तक भी आपको ड्यूटी दिया गया है उतना दूर तक घूमना है, और कहाँ पर क्या क्या सामान था उसको देखना है। रात में बहुत ड्यूटी रहता है, रात में तो मूवमेंट कम रहता है। मान लीजिए रात के 10 बजे में अगर गेट क्लोज होता है, हो जाता है, तो गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मूवमेंट बंद। कौन आ सकता है? हायर अथॉरिटी आ सकता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये रात में आएगा, नहीं तो कोई नहीं आ सकता। तो आपका काम है रात में पेट्रोलिंग करना, सारा जगह घूमना। कोई अगर आपको अननोन पर्सन मिलता है तो सिक्योरिटी को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देना है कि सामने वाले से, जो सर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि एक अननोन पर्सन अंदर में है, क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ एसेट्स। जो कोई भी एसेट्स है उसको केयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टाइम का पंचुअलिटी, जो कि किसके पास भी नहीं है। आज बुलाया गया था 4 बजे, आ रहे हैं 4:30, ठीक है, ये मेंटेन करो। अगर 4 बजे बुलाया गया है तो उससे 5 से 6 मिनट आगे पहुंचना है, जैसे भी करके सुविधा करके पहुंचना है। टाइम का पंचुअलिटी रखोगे तो आगे आप भी लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होगा। अगर रहोगे तब, टिकोगे तब, छोड़ दोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, जैसे आए थे वैसे ही रहोगे। समझ में आ गया नहीं आया? तो इतना था बस, एक सिक्योरिटी का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया आगे आने वाला है, ठीक है। पहला देखो सिक्योरिटी का, जहाँ पे आप लोग हो फिला। नेक्स्ट क्या है? हेड गार्ड, है ना। नेक्स्ट है सुपरवाइजर। नेक्स्ट है आपका सीनियर सुपरवाइजर। नेक्स्ट है आपका ASO, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। नेक्स्ट है SO, सिक्योरिटी ऑफिसर। नेक्स्ट है फील्ड ऑफिसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफिसर। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैनेजर। नेक्स्ट है ब्रांच हेड, ठीक है। ये सारा आपका प्रमोशन होते होते ऊपर तक जाएगा, लेकिन कितने देर तक आप टिकोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना था, ठीक है।